आज का टॉपिक है टिश्यू। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टिश्यू क्या होता है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सेम होती है, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, डैट इज़ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आज हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू वो होता है जो वो टिश्यू जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसे हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, पहला मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं आगे। मेरिस्टमैटिक टिश्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाना, बेसिक प्लांट बॉडी दिखाना चाहती हूँ। ये रही वो, आप देखिए इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे रूट सिस्टम दे रखा है और ऊपर की तरफ यहाँ पे शूट सिस्टम दे रखा है और एपेक्स पार्ट पे एपिकल मेरिस्टम दे रखा है। नोड और इंटरनोड के बेस पे इंटरकैलरी, वस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम का फॉर्मेशन करने वाली लेटरल मेरिस्टम। बाहर की तरफ देखिए तो स्टेम प्रेजेंट है, शूट के अंदर स्टेम है और जो ये आउटर स्ट्रक्चर हमें दिख रही है स्टेम की, उसे हम लोग बार्क कहते हैं, जो कि वुडी पार्ट जो होता है हमारे स्टेम का, उसे हम लोग बार्क लाइक स्ट्रक्चर जो है कहते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक प्लांट का स्ट्रक्चर। अब हम शुरू करते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो होते हैं जो अनडिफ्रेंशिएट सेल की कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, उसे हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स के एब्सेंट होते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब इनके अंदर एक दूसरे से बहुत टाइटली अरेंज रहना इस तरीके से, और आप लोग देख रहे हैं इनके अंदर बिल्कुल स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए इनके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इसके भी कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, तीन तरीके के टाइप्स देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पढ़ेंगे। ये तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टमैटिक, लेटरल मेरिस्टमैटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये लोग हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप, एक इमेज है, यस, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि एपेक्स पार्ट पे ये स्टेम, ये शूट सिस्टम दिखाया है, सिर्फ शूट सिस्टम के एपेक्स पार्ट पे शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। और अगर हम लोग रूट की बात करेंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम दो तरीके के हो गए, वो मेरिस्टम जो शूट एंड रूट दोनों सिस्टम पे प्रेजेंट रहती है वो भी एपेक्स पार्ट पे, उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। जो बेस ऑफ नोड एंड इंटर नोड पे प्रेजेंट रहती है उसे हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टम बोल रहे हैं, और जो जो वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है उसे हम लोग लेटरल मेरिस्टम बोल रहे हैं। और इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं स्टेम के इनर पार्ट पे है, तो यही हम लोग देखेंगे। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रो मेरिस्टम। जो प्रो मेरिस्टम है ये सबसे पहली मेरिस्टम होती है जो ओरिजिनेट होती है, और इसी मेरिस्टम के थ्रू जितनी भी एडवांस मेरिस्टम जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, ये सारी डिवाइड भी होती हैं और ओरिजिनेट भी होती हैं। ये जो है सबसे पहले डिवाइड होकर प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की। प्राइमरी मेरिस्टम वो हो गए जो डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू बनाते हों। ये हम लोग देख के आए हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम
प्रोमेरिस्टम से ड्राइव्ड हुआ या ओरिजिनेट हुआ है। ये हमें कौन कौन सी लेयर प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम लेयर जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट, प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम ड्राइव होएगा, तो अब हम सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम ओरिजिनेट हो गया है प्राइमरी मेरिस्टम से, ये डिवाइड करके कैम्बियम की लेयर और जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है हमारी वो फॉर्मेशन करता है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फेलोडर्म, हमारे वस्कुलर कैम्बियम की लेयर, ये सब ये सेकेंडरी मेरिस्टम का काम होता है। तो आप लोगों ने देखा प्रोमेरिस्टम सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ, फिर प्रोमेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिनेट हुआ, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी मेरिस्टम। अब आपने जहाँ पे भी ये जो भी नाम पढ़े हैं ना वो सब लिंक करेंगे, अभी मैं बताऊँगी आपको आगे जाके कैसे लिंक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट हो गया प्रोटोडर्म, सेकेंड प्रोकैम्बियम एंड थर्ड ग्राउंड मेरिस्टम। जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है कि ये अभी हम थोड़ा देख के आए हैं प्रोकैम्बियम ग्राउंड मेरिस्टम, तो हमें याद आ रहा होगा कि ये हमने यहाँ इस लेयर में पढ़ा है। तो हम लोग सबसे पहले प्रोटोडर्म की बात करते हैं। अगर आपने एक किसी भी शूट या फिर लीफ शूट या फिर रूट की स्ट्रक्चर देखी हो तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि एक एपिडर्मिस की लेयर फॉर्मेशन होती है। किसी भी स्ट्रक्चर एक एपिडर्मिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, एक एपिडर्मिस की लेयर जो है प्रेजेंट होती है। इस लेयर के ऊपर शूट सिस्टम पे क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट होती है, और पर रूट सिस्टम पे ये ना प्रेजेंट होके एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के, ये देखिए। तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी एपिडर्मिस लेयर और क्या जनरेट कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोटोडर्म शुरू करते हैं। प्रोटोडर्म हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है एक लीफ की, एक प्लांट की, ठीक है, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो उससे कोई फर्क नहीं, एक प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है। उस आउटर मोस्ट लेयर में हम बोलते हैं एक एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस लेयर है। तो प्रोटोडर्म की वजह से या एपिडर्मिस की वजह से प्रोटोडर्म लेयर जो है फॉर्मेशन हुई है, उस लेयर को हम लोग प्रोटोडर्म कह रहे हैं। ये जो प्रोटोडर्म है, हमें जितने भी एपिकल मेरिस्टम होता है, अब आप लोगों ने एपिकल मेरिस्टम देखा है कि एपिकल मेरिस्टम क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे देख के आए हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर जो है एपिकल मेरिस्टम की है, ये शूट पे प्रेजेंट है तो इसलिए हमें शूट एपिकल मेरिस्टम कह रहे हैं, रूट पे प्रेजेंट होएगी तो हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होएगी रूट पे ऐसे, तो इसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है सॉइल का उसे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैम्बियम लेयर की। प्रोकैम्बियम लेयर प्रोटोडर्म के जस्ट बाद में जनरेट होती है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्रोकैम्बियम लेयर जो है हमारे जस्ट बाद में नहीं बोल सकते हैं, जब हमारी कैम्बियम लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हो उसे हम प्रोकैम्बियम कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड मेरिस्टम की। ग्राउंड मेरिस्टम के अंदर जो भी कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है हमारा कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। इस कॉर्टेक्स रीजन में अलग अलग तरीके से होता है, अगर शूट है तो सिंपल लेयर, और अगर रूट है तो रूट के अंदर अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आउटर, इनर और मिडल कॉर्टेक्स। तो ये सब हम लोग यहाँ पे नहीं देखना हमको, तो बस जनरल डिटेल बता रही थी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ये हमारी एपिडर्मिस, इसके नीचे कॉर्टेक्स रीजन। तो इस कॉर्टेक्स रीजन को जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ग्राउंड मेरिस्टम की वजह से हो रहा है। तो हम जो ये पूरा टॉपिक जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेयर बोलते हैं उसे ग्राउंड मेरिस्टम की बोलते हैं, और उसके नीचे इसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होएगी, इसके अंदर हमारे पिथ भी प्रेजेंट हो सकती है। शूट पार्ट अगर हम देखेंगे, स्टेम का पार्ट या फिर लीफ का पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी मार्जिन का पार्ट, जो भी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर पिथ प्रेजेंट रहेगी, पर रूट के अंदर पिथ प्रेजेंट नहीं होती, ये ध्यान रखना। पिथ प्रेजेंट होएगी, उसके बाद में कोई भी जाइलम, फ्लोएम, फिर वस्कुलर कैम्बियम की लेयर, फिर हमारी
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, रूट के अंदर जो है हम लोग पेरीसाइकिल की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखते हैं। अब हम आगे एक डायग्राम आपको एक इमेज शो करती हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा शूट का पार्ट है और ये हमारा रूट का पार्ट है। शूट के पार्ट में हम लोग ने देखा था शूट एपिकल मेरिस्टम और यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। इसके अंदर इंटरकैलरी, लेटरल और एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, शूट सिस्टम है, और रूट में रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें ये लेयर्स जो हैं दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमने बोला था पहले ही बोलते हुए आ रहे हैं प्रोटोडर्म ग्राउंड और प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म लेयर जो है एपिकल मेरिस्टम लेयर की फॉर्मेशन जो है करती है, ये हम लोग पीछे ही पढ़ते हुए आए हैं। प्रोटोडर्म हमने बोला एक एपिडर्मिस लेयर का रीजनरेशन करती है, मतलब एपिडर्मिस लेयर फॉर्मेशन करती है। ग्राउंड जो है शूट सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो पिथ और कॉर्टेक्स रीजन जो है जनरेट करेगी। पिथ मैंने बताया सेंटर ऑफ कैविटी इज अ पिथ, ओके। कॉर्टेक्स रीजन जो कि कैम्बियम लेयर हमारे जाइलम और फ्लोएम के पहले प्रेजेंट होगा उसे हम कॉर्टेक्स बोल देंगे, जो कि दो टाइप की लेयर फॉर्मेशन करता है, फेलोजन और पेरिडर्म लेयर, तो वो हमारे कैम्बियम के अंदर आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैम्बियम की। प्रोकैम्बियम में आप लोग देखो पहले तो वस्कुलर प्लांट जो वस्कुलर स्ट्रक्चर होगी वो वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। फिर इस एक कैम्बियम की लेयर जैसे ही जाइलम फ्लोएम काम करना शुरू करते हैं, फ्लोएम डिस्ट्रॉय होना शुरू करके एक कैम्बियम की लेयर फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, तो उस कैम्बियम लेयर की वजह से हमारे आगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की स्ट्रक्चर जो है बन जाती है। तो वही हमने इन लेयर की वजह से स्ट्रक्चर बनती है मेरिस्टम के टिश्यू की वजह से वो हम बता रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लेटरल मेरिस्टम के अंदर हमने बताया था वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, तो ये वही है। वस्कुलर के अंदर जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे और कॉर्क कैम्बियम के अंदर पेरिडर्म और फेलोजन आ जाएंगे। अब हमने देखा रूट एपिकल, अभी तो हमने शूट एपिकल देखा, अब हम देख रहे हैं रूट एपिकल। रूट एपिकल के अंदर जो ओरिजिनेशन प्रोटोडर्म से ही होगी रूट भी, क्योंकि हम भाई एपिडर्मिस की लेयर है, तो एपिडर्मिस की लेयर के बाद में ग्राउंड टिश्यू आएगा, ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स रीजन को बना रहा है। फिर हमारा प्रोकैम्बियम लेयर आ रहा है वापस, ये देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पेरिसाइकिल की लेयर जो है वो भी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम स्ट्रक्चर फॉर्म होएगी। इस पेरिसाइकिल के स्ट्रक्चर से हमारे कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम हम जब से बोलते हुए आ रहे हैं भाई फेलोजन और फेलोडर्म का फॉर्मेशन होएगा लेयर का, और प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बाद में वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम की लेयर फॉर्म होएगी, उसकी वजह से कैम्बियम लेयर की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देखें और समझें, और कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।